हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज भूमिका शेखावत। वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीसी एजुकेशन। सो वी हैव डिस्कस सम टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स बिफोर। इससे पहले हम कुछ लेक्चर्स कवर कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फाइव ईयर प्लान्स। द फाइव ईयर प्लान्स व्हाट दैट इज पंचवर्षीय योजना इन हिंदी। तो इसका बारे में कभी सुना होगा कि फाइव ईयर प्लान का ये टारगेट रहा और उसके बाद उसकी अचीवमेंट कितनी रही, और दिस इज ऑल अबाउट व्हाट ऑल हैपेंड सिंस द इंडिपेंडेंस ईयर्स। तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1951-52 से फाइव ईयर प्लान्स बनना स्टार्ट हुए। हर प्लान का एक टारगेट होता था और उस टारगेट के बेसिस पर अगले 5 साल तक उसको अचीव करने के लिए सारी कोशिशें की जाती थी। दैट वॉज ऑल अबाउट फाइव ईयर प्लान्स, हाउ इट ऑल एस्टैब्लिश्ड, हाउ इट ऑल वाज सेट अप, किस तरह से अलग अलग फाइव ईयर प्लान के अलग अलग मोटिव से, अलग अलग गोल्स से, और कितने गोल्स अचीव कर पाए, कितने प्लान्स फेल हो गए, व्हाट ऑल हैपेंड ड्यूरिंग दोज फाइव ईयर प्लान्स, ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ईच एंड एवरी फाइव ईयर प्लान इन डिटेल, कि हाउ वॉज इट, वॉट वॉज द टेन्योर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइव ईयर प्लान, वॉट विल हैपन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दैट फाइव ईयर प्लान, ये सारी चीजें इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो बिगनिंग विद द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वॉज स्टैब्लिश अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। वाई जवाहरलाल नेहरू? बिकॉज 1951 से लेकर 56 में दिस पर्सन वॉज द पी एम ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू बिकेम द पी एम इन द फर्स्ट पार्लियामेंट। तो जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर पहला फाइव ईयर प्लान सेटअप हुआ, और पहले फाइव ईयर प्लान का नाम भी दे रखा है हेरोड डोमर मॉडल। ये हेरोड डोमर मॉडल जब आया तो इसका टारगेट था कि अगले 5 सालों में हम क्या करने वाले, अगले 5 सालों में आर मेन पर्पस और मेन टारगेट वुड बी एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना। ठीक है, वॉट टू डू, इम्प्रूविंग द करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड इट वॉज वेरी सक्सेसफुल प्लान बिकॉज वी फोकस्ड ऑन अ सिंगल थिंग एंड वी अचीव वॉट वी वॉन्टेड। सो वी वर फोकसिंग, दैट इज होल इंडिया वॉज फोकसिंग ऑन द मेन थिंग दैट एवरी अदर स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू वर्क अपॉन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउ टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, हाउ टू प्रोवाइड दम विद द इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड सो दैट द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्लान। फाइन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइव ईयर प्लान विच स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, दैट इज 1956-61। तो यहाँ 51 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 56-61 में स्टार्ट हुआ। दिस वॉज द सेकेंड फाइव ईयर प्लान। इन दिस टाइम द सेक्टर, द टारगेट वॉज इंडस्ट्री। तो फर्स्टली प्राइमरी सेक्टर को हमने इंपॉर्टेंस दी इन द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, बट इन सेकेंड फाइव ईयर प्लान वी आर फोकसिंग ऑन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का हम लोगों ने जो गोल रखा था वो रखा था सेकेंड फाइव ईयर प्लान में। नेम ऑफ द सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज पीसी महालनोबिस मॉडल, बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द महालनोबिस दैट इंडिया रियलाइज दैट इट इज टाइम इज फॉर द इंडस्ट्रीज एंड वी शुड बी फोकसिंग ऑन द हेवी इंडस्ट्रीज और सेटिंग अप मोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया सो दैट आर फ्यूचर फैक्ट्रीज कैन बी सेटअप विद दोज मशीनरीज विच आर रिक्वायर्ड एज इन कैपिटल इन एनी इंडस्ट्री। सो इस तरह से पीसी महालनोबिस वॉज अ वन हु मेड आर फोकस, हु पेड अटेंशन टू दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सो इट वॉज हिज प्लान। Then at this time the plan was to set up heavy industries, no? That is ऐसी industries जिन industries से आपको basic machinery provide होती है दूसरी factory setup करने के लिए। तो इस particular plan के बाद तो उसी time पर 3 steel plants were set up in India, and you have to remember these 3 plants because this is very important। कौन सा plant कहाँ पर set up हुआ, that is important for you। बिहार बिलाई plant was set up in छत्तीसगढ़, then there was this दुर्गापुर plant in West Bengal, and there was this रौरकेला प्लांट इन ओडिशा। तो ये तीनों ही लोकेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है, कौन से 3 steel plants सेटअप हुए थे ड्यूरिंग द सेकंड फाइव ईयर प्लान, इन विच स्टेट्स दीज प्लांट्स वर सेटअप, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये पूरा ही फैक्चुअल चैप्टर है, तो टेक इट एज दैट ओनली कि व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपन ड्यूरिंग व्हाट टाइम, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। टॉकिंग अबाउट द थर्ड फाइव ईयर प्लान, इट स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द फर्स्ट, सेकंड फाइव ईयर प्लान एंडेड 1956 से लेकर 61 तक अपना सेकंड फाइव ईयर प्लान चला था, तो उसके जस्ट बाद हमारा स्टार्ट हो रहा है 61-66 में थर्ड फाइव ईयर प्लान। एंड दिस टाइम द टारगेट वॉज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू मेक इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट सो दैट वी नॉट वी डू नॉट रिलाई ऑन अदर कंट्रीज, वी डिडंट वांट टू रिलाई ऑन अदर कंट्रीज। इसीलिए हमने सोचा कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर फिर से फोकस किया जाए और उसको इतना इंपॉर्टेंट और इतना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया जाए ताकि हम अपने कल्टिवेशन और जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है सारी क्रॉप्स का उसके साथ हम सेल्फ सफिशियंट हो, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दी अदर कंट्रीज ऑन दैट। सो दैट वॉज द प्लान ड्यूरिंग दिस टाइम।
जस्ट लुक इट ईयर 1961 से 66 वाला पीरियड इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल पीरियड था, क्योंकि इस टाइम पे दो वॉर्स हो गई थी इंडिया में. तो बिकॉज ऑफ दोज वॉर्स इट काइंड ऑफ stopped and there were so many hurdles into the implementation of this plan because 1962 was a war of Indo-Sino war. Indo-Sino war is India-China war, if you know. So, India-China war hui thi 1962 mein. 1965 mein there is India-Pakistan war. Ye do wars ho gaye India mein during that time. जो कि टाइम था 5 साल का. 5 साल के पीरियड में अगर दो वॉर्स हो रही है तो एक कंट्री को वॉर के टाइम पर मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि वी नीड नॉट टू focus on the other things, we simply need to focus on the war thing and we have to make sure ek resilient supply towards the military, fine. So wo supply aur sara focus aur sari attention, sari jo bhi strategies thi sab kaam kari militaries ke liye and this is because of reason ki yahan par third five year plan puri achhi tarah se implement nahi ho paya. क्योंकि अच्छे से implement नहीं हो पाया तो हम agriculture में self-sufficient नहीं बने and we couldn't achieve this target. So this was a unsuccessful plan. We couldn't achieve what we were aiming for. Fine, we couldn't achieve it. 1965 mein there was a Bokaro steel plant was set up in the Jharkhand and it was an unsuccessful plan. Jharkhand tak it is fine. Ye next line hai that this was an unsuccessful plan. Is time par Bokaro steel plant set up hua tha. It can be asked to you, Bokaro steel plant was set up in India during the second five year plan. So you would be like, ha, steel plant to set up hue the. So second year plan plan mein hue honge nahi. Bokaro was set up in the third five-year plan. Why? Now, due to wars, droughts, the plan failed and it couldn't achieve its target, which was self-sufficiency. Fine, and so this time we couldn't achieve it. Moving on to the next plan. Okay, there was this 66 mein we ended with the third five-year plan. उसके बाद से इंडिया में एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि देर वॉज ह्यूज इन्फ्लेशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ द वॉर थिंग, बिकॉज देर वॉज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एज वेल. सो 1966 से लेकर 69 तक का जो पीरियड था हमारा, दैट वॉज प्लानिंग हॉलीडे. फॉर 3 long years देर वॉज नो प्लानिंग इन इंडिया ऑफ वेयर टू अचीव, वेयर टू गो, वॉट इज द टारगेट, वॉट टू अचीव. वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट. फाइन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट there was a planning holiday, no plan was executed during this time and 1966-69 ke beech mein hi there was green revolution in India which was launched. Fine, green revolution kya tha? Hamara focus abhi bhi agriculture hi hai. We still want to make sure that we are a self-sufficient country in terms of the crop production. So hamara motive kya hai? Kisi bhi tarah se agriculture sector ko itna zyada prosperous banana, uska production itna badhana taki hum dusri country par rely na kare. To iske liye green revolution laya gaya tha. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है कि एक तरह के सीड्स होते हैं जिनको बोलते हैं HYV सीड्स, जिनका फुल फॉर्म क्या होता है, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते हैं, इन सीड्स की वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा होता है वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है. कंपेरेटिवली अगर सेम लैंड एरिया पे 100 टन ऑफ क्रॉप्स उग रही है लेकिन बाय यूजिंग दिस HYV सीड्स वो 150-160 जा सकती है. तो ये सीड्स में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो उस क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं. तो इन सीड्स का इंट्रोडक्शन इंडिया में किया गया था 1966-69 के पीरियड में, जस्ट आफ्टर द वॉर पीरियड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम. यही था ग्रीन रेवोल्यूशन कि वी नीड टू फोकस ऑन द प्रोस्पैरिटी, ऑन द इंक्रीमेंट, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कल्टिवेशन दैट वी आर हैविंग इन इंडिया. उसके साथ साथ ही HYV सीड प्रोड्यूस हुए तो इसमें और ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, इसमें इरीगेशन चाहिए होता है. अगर आप पर्टिकुलरली किसी भी फील्ड पर इतना ध्यान दोगे तो ऑब्वियसली इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड. सो इट वाज लॉन्च्ड ऑन पायलट बेसिस. अभी भी ये पायलट बेसिस पर है, ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में इस टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन चलने लग गया था, ऐसा नहीं है. दिस वॉज जस्ट अ पायलट ट्रायल. इनिशियली इंडिया के कुछ एक स्टेट्स में ये चीज ट्राई की गई कि इज इट रियली वर्किंग और इज इट सुटेबल फॉर द इंडियन क्लाइमेट एज वेल और नॉट. तो वो चीज़ सक्सेसफुल हुई एंड वी रियलाइज कि ग्रीन रेवोल्यूशन से रियली इम्प्रूवमेंट्स हैं एंड सो वी वॉन्टेड इट टू इम्प्लीमेंट इट टू द होल इंडिया, दैट इज पैन इंडिया. फाइन, एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय अ पर्सन नेम्ड एज MS स्वामीनाथन. सो ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. एंड इफ एनीवन आस्क्स व्हाट हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन द वर्ल्ड, देन इट इज नॉर्मन बोरलॉग. नॉर्मन बोरलॉग इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड. फाइन, then there was another 5 year plan. This plan was 1969 to 1974. क्योंकि 1969 तक हमारा जो ये plan था
खत्म हो चुका था, 1969 तक प्लानिंग हॉलिडे खत्म हो गया था। 69 से हमने एक नया प्लानिंग स्टार्ट करा, दैट वाज द टारगेट वाज सेल्फ डिपेंडेंसी। द टारगेट वाज सेल्फ डिपेंडेंसी एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जस्ट लुक एट दिस, हमने इस चीज में पहले भी पढ़ा है कि इंडिया में नेशनलाइजेशन मेजरली 2 ईयर्स में हुए थे, वन वॉज 1969, वन वॉज 1980। तो 1969 वाला जो नेशनलाइजेशन है उसी का बात तो कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। फोर्थ 5 ईयर प्लान वो प्लान था जब इंडिया में नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी हुआ। अब आप बोलोगे 5 ईयर प्लान का ऐसा क्या लेना देना, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पर इकोनॉमी में या इंडियन इकोनॉमी में, मार्केट में अगर कुछ बहुत रिवॉल्यूशनरी हो रहा है, कुछ बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रहा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि इस इवेंट के टाइम पर क्या हुआ। इट कैन बी आस्क टू यू कि 1969 वाला जो दिस नेशनलाइजेशन हैपेंड, इट वॉज ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फिफ्थ, ट्वेल्थ, इलेवेंथ, एनीथिंग कैन बी आस्क। तो प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। So, nationalization of 14 banks was done by Indira Gandhi because she was the PM of India at this time. मैं पहले भी इनका टेन्योर बता चुकी हूँ, she was the PM of India since 1966 to 1977. ठीक है, तो ये टाइम था जब इंदिरा गांधी was the PM of India. So, she took this as a decision कि जो भी banks के पास 50 करोड़ capital है वो सारे ही banks क्या हो जाएंगे, nationalize करने हैं। ठीक है, तो मिनिमम डिपॉजिट जहां पर 50 करोड़ है उन सब बैंक्स को क्या कर दिया जाएगा, नेशनलाइज किया जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट 14 बैंक्स वर नेशनलाइज। देन 1971 में वी आर कमिंग अप विद अ न्यू वॉर इन इंडिया, दैट इज इंडो पाकिस्तान वॉर। ये इंडो पाकिस्तान वॉर वही वॉर है जिसमें इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प करके उसको बांग्लादेश फॉर्म करने में हेल्प करी थी। फाइन, सो देर वॉज इज इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971। अगेन हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो रहा है उसके 2 साल बाद ही क्या हो रहा है, 1971 में वॉर हो रहा है। तो यू कैन सी बिकॉज ऑफ वॉर थिंग मेनी प्लान्स वर अफेक्टेड, और ये भी उनमें से एक प्लान था जो कि अफेक्ट हुआ था। तो इसको कम्प्लीटली अचीव करना या कम्प्लीटली उस टारगेट पर जो अपने सोचा जिस रेट पर उसको पहुँचाना वॉज अ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। फाइन, देन वी हैव नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट इज फिफ्थ 5 ईयर प्लान। द फिफ्थ 5 ईयर प्लान स्टार्टेड जस्ट आफ्टर दैट पीरियड, दैट इज 1974 टू 1978। 1974 से लेकर ही 1979 तक होना चाहिए था क्योंकि 5 ईयर प्लान तो वही होता है। बट नाउ अनदर थिंग हैपेंड दिस टाइम, इस टाइम पर एक चीज समझना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वॉज द मेजर थिंग। इस टाइम पर और इसके बाद वाले एक दो प्लान्स में ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत मेजर रोल प्ले करेगी इन द 5 ईयर प्लान्स इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट हैपेंड, द टारगेट ऑफ दिस प्लान वाज गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट दो, जस्टिस दैट इज न्याय सबको मिलना चाहिए, एग्रीकल्चर का आउटपुट और ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए विद टाइम, इट शुड बी इंक्रीजिंग, एंड डिफेंस फॉर ऑल द प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर्स इन दिस प्लान। एग्रीकल्चर ले लिया, गरीबी हटाओ ले लिया, देन एम्प्लॉयमेंट ले लिया, देन डिफेंस ले लिया, ऑल दिस थिंग्स वर प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। Was this plan achieved or not achieved? Just look at this. 25th June 1975 को there was this emergency in India. इससे पहले भी इंडिया में emergency लगी थी जिसको अपन बोलते हैं national emergency. ये national emergency लगी थी इंडिया में, one was in 1962 and one was in 1971. Again there was national emergency in 1975. तो ये दो बार तो because of war लगी, 1962 एंड 1971 में वॉर की वजह से नेशनल एमरजेंसी लगी। बट ड्यूरिंग द थर्ड टाइम, दैट इज 1975, देयर वाज नो वॉर ऑन गोइंग, बट एज पर द गवर्नमेंट देयर इज इंटरनल डिस्टर्बेंस इन इंडिया, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, दैट इज रायट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स वर हैपनिंग, एंड सो बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो there is no possibility for conducting the peaceful elections in India at this time. Indira Gandhi is the PM of India. Her this tenure as a PM was supposed to end in 1975. Fine, that was her tenure. So it was supposed to end in 1975, but then what happened? Before her finish of the period, she put up this emergency thing. तो वहाँ पर प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि पूरे कंट्री में नेशनल एमरजेंसी लग गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्शंस कुड नॉट बी कंडक्टेड। ये वो पीरियड था, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स दैट व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम वाज फखरुद्दीन अली अहमद, दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड हु वाज द प्रेसिडेंट बिकॉज ही वाज द वन हु डिक्लेयर्ड एमरजेंसी। फाइन, ही डिक्लेयर्ड एमरजेंसी।
प्रेसिडेंट विच अनाउंस्ड इमरजेंसी ड्यूरिंग द 1975 पीरियड? दिस कैन बी अ क्वेश्चन फॉर यू, सो लर्न इट अकॉर्डिंगली. द फ्रेशली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट पुट एन एंड टू दिस स्कीम इन 1978. नाउ व्हाट हैपेंड, ये 1975 की जो इमरजेंसी थी इट कंटिन्यूड फॉर 21 मंथ्स. आफ्टर 21 मंथ्स व्हेन द इमरजेंसी एंडेड, इट वाज सपोज दैट जैसे ही ये इमरजेंसी पीरियड खत्म होगा लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी और उसके बाद नए इलेक्शंस होंगे, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोकसभा चल रही है उनका टेन्योर 5 साल का एक्सीड हो चुका है. तो एज सून एज दिस प्रेसिडेंसी दिस पर्टिकुलर इमरजेंसी एंड्स देयर इज गोइंग टू बी न्यू इलेक्शन. सो इन 1977 दिस इलेक्शन दिस इमरजेंसी एंडेड. Indira Gandhi, who was a PM at the time, she resigned from her post as a PM, and so there was supposed to be a new PM, and that new PM was, who was that? Morarji Desai government. They were elected as the new PM and their government was elected as the new government. Fine, he was, I guess, from Janata Dal party. Just check it out. Most probably this is Janata Dal itself. ये जनता दल पार्टी से थे एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम एट दैट टाइम व्हिच वाज फॉर्मड. या जनता दल पार्टी इज रिटन ओवर हियर. सो 1978 में वी आर हैविंग अ न्यू पीएम दैट इज मोरारजी देसाई एज द पीएम ऑफ इंडिया. फाइन, देन वी हैव रोलिंग प्लान्स. नाउ रोलिंग प्लान्स आर व्हाट आर दिस. अब यहाँ पर भी पॉलिटिक्स काफी ज्यादा देखने को मिलेगी कि इंडिया में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है. अनस्टेबिलिटी होने का मतलब कि कभी एक पीएम ने रिजाइन कर दिया, उसके बाद दूसरे पीएम का टेन्योर बहुत कम है, उसके बाद नए पीएम आ गए. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द रोलिंग प्लान्स टाइम. रोलिंग प्लान में 1978 में 1979 में नथिंग हैपेंड. फाइन, देयर वाज नो टारगेट, देयर वाज नो 5 ईयर प्लान. देन देयर वाज दिस 1975-79 पीरियड व्हेन चौधरी चरण सिंह बिकेम अपॉइंटेड एज द पीएम. तो इससे पहले जो मोरारजी देसाई आए थे एज अ पीएम, उनका टेन्योर बहुत ही शॉर्ट पीरियड का था, इसलिए कोई भी टेन्योर शॉर्ट होने के कारण कोई भी 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका. एंड व्हेन द न्यू पीएम केम दैट इज चौधरी चरण सिंह, देयर वाज दिस द न्यू पीएम. 79 से 80 वाज द सेकंड प्लानिंग हॉलिडे, बिकॉज अगेन दिस वाज नॉट अ काइंड ऑफ श्योरिटी थिंग दैट दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. एंड सो 1980 तक देर वॉज नो प्लान. तो 78 से ब्रेक चल रहा है 80 तक. आई डोंट नो व्हाई डोंट यू कॉल इट एज कंप्लीट प्लानिंग हॉलीडे, जबकि दिस वॉज अ सेकेंड प्लानिंग हॉलीडे. इससे पहले का प्लानिंग हॉलीडे कभी था, अभी अपन ने पढ़ा 1966 से लेकर 69 में देर वॉज 3 ईयर्स प्लानिंग हॉलीडे गैप, एंड सो वी आर कॉलिंग इट एज सेकेंड प्लानिंग हॉलीडे. तो 1978 से 80 में कोई 5 ईयर प्लान चल ही नहीं रहा है. एंड देन वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, दैट इज द 6 5 ईयर प्लान. इस 6 5 ईयर प्लान का टेन्योर था 80 से लेकर 85. फाइन, 80 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं. तो 1980 में देयर वाज अगेन दिस द न्यू पीएम वाज इलेक्टेड एंड दैट वाज ऑनरेबल इंदिरा गांधी. सो शी बिकेम द न्यू पीएम ऑफ इंडिया एट द टाइम अगेन फॉर द सेकंड टाइम. एंड व्हेन शी केम बैक शी पुट द टारगेट ऑफ द नेक्स्ट 5 ईयर प्लान एज पॉवर्टी एलिमिनेशन, दैट इज गरीबी हटाओ. शी केम अप विद दिस दैट एजेंडा इटसेल्फ दैट आई एम गोइंग टू रिमूव और एलिविएट द पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया. एंड पीपल ट्रस्टेड हर एंड appointed her or elected her, voted for her, and she became the new PM. And the target was kept as poverty elimination. Second time 1980 में क्या हुआ, nationalization हुआ, अभी अपन ने एक slide पहले पढ़ा. तो इस time पर भी there were 6 banks who got nationalized during this time with the minimum deposit to 200 crore. उस time पर minimum deposit कितना रखा गया था 1969 में, it was 50 crore. And this time the minimum deposit is 200 crore because the time has changed, the economy has improved, and we have come back towards the 11 years ahead. Come forward. The NABARD was established during this time when there was this 6 5 year plan was going on. That is in 1982 under the recommendation of Shivaraman committee. This is important for you. Ki kaun si committee ki recommendation par NABARD set up kiya gaya tha. NABARD aur kuch nahi, it is a national bank for agriculture and rural development. So is tarah se rural areas agriculture ko support karne ke liye NABARD as a refinance bank set up kiya gaya tha in the year 1982. So you need to remember the year as well as the committee which recommended for it to setup. The 1984 mein, when the plan was ongoing during till 1985, there was sudden assassination of Indira Gandhi and she was killed by few people during that time during a conspiracy, and so there was again a political instability who's going to be the new PM this time.
तो आप देख रहे हो पिछले दो प्लान से अगेन देर इज दिस थिंग गोइंग मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी रिजाइन एज द पीएम बिकॉज ऑफ देर वॉज इमरजेंसी आफ्टर आफ्टर हर टेन्योर देर वॉज अ न्यू पर्सन हुज कमिंग देर इज दिस मोरारजी देसाई आफ्टर मोरारजी देसाई देर इज दिस न्यू पीएम की कमिंग दैट इज चौधरी चरण सिंह और उनका सडन हटना एंड देर इज दिस अगेन इंदिरा गांधी कमिंग विद द न्यू इलेक्शन एंड देन हर असैसिनेशन. तो इस टाइम तक काफी ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा है, काफी ज्यादा गवर्नमेंट चेंजेस चल रही है. इसी की वजह से प्लान्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा और प्लान्स फ्रीक्वेंटली चेंज होते जा रहे हैं. इसके आगे के सिक्स जो प्लान्स बचे हैं, देर आर टोटल 12 प्लान्स, जो छह और प्लान्स बचे हैं वो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज इन पार्ट टू, सो स्टे कनेक्टेड फॉर दैट, क्योंकि वो पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.